dear students, my name is Alisha and I welcome you to Success Blueprints. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन मध्य प्रदेश, जो कि थर्ड यूनिट का टॉपिक है. हम धीरे धीरे थर्ड यूनिट को कम्प्लीट करने पर आ रहे हैं. तो आज का टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन. अगर मैं एमपी की बात करती हूँ तो एमपी में ट्रांसपोर्टेशन तीन तरीके से होता है, रोड, रेलवेज एंड एयरवेज. स्टेट की एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है जो कि 2010 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, 2010 से हमने उसे स्टार्ट किया है. एंड अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करती हूँ एमपी में, तो 2.65% का कंट्रीब्यूशन जो स्टेट जीडीपी में किया है 2019 में, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने किया है. तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है वो 2010 में स्टार्ट हुई थी और 2019 में 2.65% का कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर का था स्टेट जीडीपी में, नॉट इन नेशनल जीडीपी बट इन स्टेट जीडीपी. अगेन मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्योंकि हम प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्लासेस ले रहे हैं, तो ये जो सेशंस हैं उनमें मैं सिर्फ वो चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही हूँ, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रही हूँ जो प्रिलिम्स में आने के चांसेस हैं. नेक्स्ट, जब हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे जो टोटल लेंथ है रोड्स की वो कितनी है, ठीक है. तो 1,16,821 किलोमीटर्स की जो है वो है हमारी टोटल लेंथ. कितनी? 1,16,821 किलोमीटर्स. इसके अलावा जब हम नेशनल हाईवेज़ की बात करते हैं तो नेशनल हाईवेज़ की लेंथ है 8,772 किलोमीटर्स. सिमिलरली हमें ये भी याद रखना होगा कि स्टेट हाईवेज़ कितने किलोमीटर्स पे हैं. तो जो स्टेट हाईवेज़ हैं वो है हमारे 11,389 किलोमीटर्स. अगर मैं एवरेज की बात करूँ रोड्स की, तो वो 38 किलोमीटर है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स. ऑन दी अदर हैंड नेशनल एवरेज से अगर मैं कंपेयर करूं तो नेशनल एवरेज है 83 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है. तो ये हमें याद रखना है, ये एक कंपेरेटिव स्टडी भी हो जाती है कि हम एवरेज ऑफ रोड्स की जब बात कर रहे हैं तो एमपी का इतना है और नेशनल का इतना है. तो ये याद रखना है, एमपी का है 38 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, और नेशनल का 83 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है. जहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ रोड्स मिलती है वो है सतना डिस्ट्रिक्ट. ये हमें याद रखना है, जहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी हमें देखने को मिल रही है वो सतना डिस्ट्रिक्ट है, और लीस्ट डेंसिटी जहाँ पे है वो है श्योपुर. दोनों ऐसे आते हैं, बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, एक नॉर्थ में है और एक है आपका ईस्ट साइड पे, ठीक है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. देन हम बात करेंगे नेशनल हाईवेज़ की. तो नेशनल हाईवेज़ की जब मैं बात करती हूँ तो एमपी से 44 नेशनल हाईवेज़ पास होते हैं. ये हमें कहाँ से पता चला है? अथॉरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज़ से, ठीक है. तो 44 जो हैं वो नेशनल हाईवेज़ पास होते हैं. नेशनल हाईवेज़ हैं तो ये कंट्रोल किस कौन करता है? आपका सेंट्रल से कंट्रोल में है, ठीक है. लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो है NH-46. क्या लेंथ है उसकी? 643 किलोमीटर्स, NH-46. एंड देन जो आपका स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है वो है 135 BB, जो सिर्फ 7.5 किलोमीटर है. जो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है वो ग्वालियर टू बैतूल है, एमपी के एमपी में ही है. तो ये हमें याद रखना है कि 44 नेशनल हाईवे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे 46 है जो कि 643 किलोमीटर्स है, और स्मॉलेस्ट जो है वो नेशनल हाईवे 135 BB है जो सिर्फ 7.5 किलोमीटर्स है. अब जब मैं स्टेट हाईवेज़ की बात करती हूँ तो स्टेट हाईवेज़ जो हैं एज द नेम सजेस्ट इसको स्टेट कंट्रोल करती है, और स्टेट हाईवेज़ वो होते हैं जो एक्चुअल में आपके स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट करते हैं. तो हमारे पास कितने स्टेट हाईवेज़ हैं? 48. नाउ डो नॉट गेट कन्फ्यूज, 44 नेशनल हाईवेज़ हैं और 48 स्टेट हाईवेज़ हैं, ठीक है.
देन जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे है वो है SH-19। लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे इज SH-19 जो कि 743 किलोमीटर्स है। नाउ वेरी इजी टू रिमेम्बर हाँ, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो 643 किलोमीटर है, जो स्टेट हाईवे है वो 743 किलोमीटर्स है। कहाँ से? जैतपुर यूपी से जो है लेके छिंदवाड़ा एमपी तक। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दूसरे स्टेट्स को हमारी स्टेट से कनेक्ट करता है, तो इसलिए जैतपुर यूपी से छिंदवाड़ा एमपी तक। देन स्मॉलेस्ट जो है वो SH-39 है जो कि 22 किलोमीटर है, जनधाता से कुशालग्रह। ठीक है, तो आप क्या क्या याद रखना है स्टेट हाईवे में? कंट्रोल करता है स्टेट, कनेक्ट करता है अदर स्टेट से, 48 स्टेट हाईवेज हैं, लॉन्गेस्ट SH-19 है जो कि 743 किलोमीटर्स है, और स्मॉलेस्ट SH-39 है जो कि 22 किलोमीटर है। तो SH-19 और SH-39 लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट है। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कुछ स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स का। पहला ये है कि जो सबसे छोटा बस स्टैंड है वो खरगोन में देखने को मिलता है। खरगोन का जो बस स्टैंड है वो एमपी का सबसे छोटा बस स्टैंड है। देन ब्यावरा करके एक जगह है जो कि राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, इट इज़ अ स्मॉल टाउन। वहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे हम एमपी का चौराहा भी कहते हैं। तो ब्यावरा में एमपी का चौराहा पाया जाता है जो कि बहुत ही फेमस है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछा जा सकता है कि एमपी का चौराहा कहाँ पर है। तो हमें यहाँ याद रखना है ब्यावरा राजगढ़। ठीक है, देन एमपी फर्स्ट स्टेट है जिसने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था या फॉर्मुलेट किया था, तो ये हमें याद रखना है। पहली ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें स्टेट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू हुई? एमपी। ठीक है, प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए क्योंकि हम भी एमपी का पार्ट है, और सबसे पहले जो है वो हमारी स्टेट में स्टेट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई थी। देन एक और डेफिनेशन जो हमें पता होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होती हैं। तो जैसे नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी हैं। अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स कौन सी रोड्स हैं जो हर एक टाउन और सिटी और विलेजेस को कनेक्ट करती है आपस में डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही? जैसे अगर मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट की बात करती हूँ, तो जितनी भी रोड्स ऐसी हैं जो भोपाल की डिस्ट्रिक्ट को टाउन्स में बहुत सारे विलेजेस हैं उनसे एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, कनेक्टिविटी बना रही है, वो सारी डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहलाएंगी। देन कुछ स्कीम्स हैं जो रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई गई हैं अलग अलग मॉनिटरी यूनिट्स के थ्रू। तो पहली है हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, ये कब लॉन्च हुई है? 2000 में इसे लॉन्च किया गया है। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कनेक्टिविटी दें सारी विलेजेस से, जहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होना चाहिए? 500% एंड अबव नॉन ट्राइबल एरियाज़ में। ठीक है, अगर कोई ट्राइबल एरियाज़ हैं तो वहाँ पे 250 लोग होने चाहिए, अगर ट्राइबल एरियाज़ हैं तो 250, अगर नॉन ट्राइबल एरियाज़ हैं तो 500। इन ऐसी विलेजेस जहाँ पे 500 नॉन ट्राइबल लोग हों या 250 ट्राइबल लोग हों, उन विलेजेस को हमें कहाँ पे कनेक्टिविटी देनी है? प्रॉपर कनेक्टिविटी देनी है। तो अब इसमें हुआ क्या? हुआ ये कि पहले, बिफोर की जब मैं बात कर रही हूँ, तो पहले क्या था, 16,931 विलेजेस ऐसे थे जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू हुई या इम्प्लीमेंट हुई, तो 2014 तक का डेटा ये है कि आउट ऑफ दी 16,931 विलेजेस, 8,556 विलेजेस में कनेक्टिविटी हम पहुँचा भी चुके हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम निकाली थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंदर या इसके अंतर्गत, इसके अंडर क्या हुआ, 556 विलेजेस को हमने कनेक्टिविटी दी, रोड कनेक्टिविटी दी। ठीक है, देन नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सड़क योजना 2।
2000 में जब ये सड़क योजना लागू हुई थी, उसके बाद भी 2014 तक क्या हुआ, सिर्फ 8,556 जो है वो विलेजेस को ही हम कनेक्ट कर पाए। तो फिर से 2012-13 में ये योजना 2 करके आया, और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि और ज़्यादा हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स और रूरल रोड्स जो हैं उनको अपग्रेड करें, उनको कनेक्टिविटी उनसे उनके थ्रू कनेक्टिविटी हम पहुंचाएं अलग अलग विलेजेस में। थर्ड है हमारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। वो किसने की थी? प्रधानमंत्री ने। अब ये किसने की है? मुख्यमंत्री ने। ये कब हुआ? 2010-11 में। इसमें क्या हुआ? कनेक्टिविटी ही पहुंचानी है हमको, तो 6,158 विलेजेस जनरल टेरिटरी की और 6,658 विलेजेस ट्राइबल टेरिटरी, मतलब वही है, जनरल मतलब नॉन ट्राइबल और ट्राइबल मतलब तो ऑब्वियसली ट्राइबल ही है। तो ये जो विलेजेस हैं 2017 तक हमने अंडर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना इतने विलेजेस को रोड कनेक्टिविटी दी है। ठीक है, एक और है मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। अब ये जो खेत सड़क योजना है, एज द नेम सजेस्ट, ये जो है फार्म से एग्रीकल्चरल फार्म्स जो है उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करता है। ये कब लॉन्च हुआ है? 1 जनवरी 2014 में, और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि जो आपके एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं उनकी कनेक्टिविटी हम कहाँ तक लेके जाएं? फार्मर्स के घर तक, जिससे उनको आने जाने में या कोई सामान रॉ मटेरियल्स ले जाने में, सीड्स वगैरह हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, उसमें प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उनके घर से हमने फार्म को कनेक्ट किया है थ्रू रोड्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था। इसके अलावा एक और है जो है अपनी बस सूत्र सेवा योजना। अपनी बस सूत्र सेवा योजना, अब इसमें क्या है, ये 23 जून 2018 को इम्प्लीमेंट हुआ है, जो कि अभी लेटेस्ट ही है ना, तो 3 साल पहले का है। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम क्वालिटेटिव बेस्ड इंटर रोड कनेक्टिविटी दें 20 मेन सिटीज़ को। 20 मेन सिटीज़ पहले ही इन्होंने आइडेंटिफाई की कि कौन सी ऐसी 20 मेन सिटीज़ हैं जो जिनसे कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। वो करने के बाद इन्होंने ये जो है अपनी बस सूत्र सेवा योजना इम्प्लीमेंट की। अब इसको किसके अंडर किया गया है? अमृत मिशन। ठीक है, अब हम अमृत मिशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अमृत मिशन का पहले तो फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमें याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि अमृत मिशन क्या है। तो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है इसका फुल फॉर्म। ये किसने लॉन्च किया है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था जून 2015 में। किस पर्पस से लॉन्च हुआ या किस ऑब्जेक्टिव से लॉन्च हुआ है? तो ये इसलिए लॉन्च हुआ है जिससे हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, जिससे जो आपके सीवेज नेटवर्क्स हैं और वाटर सप्लाई है उसको हम अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, जिससे हम उसको प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करा सकें, कहीं पे भी किसी भी तरीके का सीवेज प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना हो कि सीवेज ब्लॉकेज हो रहे हैं, रोड्स ब्लॉक हो रही हैं, वो सारी चीज़ों से बचने के लिए इसको अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया है। एंड इसके लिए इन्होंने कई अर्बन रिवाइवल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं। तो अर्बन अमृत मिशन के अंडर ये सारी चीज़ें हुई हैं, और इसी में रोड्स जो हैं उनकी कनेक्टिविटी पे भी ध्यान दिया गया। किस स्कीम के थ्रू? अपनी बस सेवा सूत्र सेवा योजना के थ्रू। एंड एक और जो है वो है सेतु भारतम, सेतु भारतम भी कह सकते हैं आप इसको। ये 4 मार्च 2016 में लॉन्च हुई है, अगेन पीएम के थ्रू ही, मतलब नरेंद्र मोदी जी ही थे 2016 में भी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फ्री रेलवे लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, नेशनल हाईवे बनाना है, टू मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री फॉर रेलवे लेवल क्रॉसिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते थे,
क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग भी है, नेशनल हाईवेज है, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये जो आपकी स्कीम है सेतु भारतम वो बनाई गई। इसके अंडर सारे नेशनल हाईवेज जो हैं वो फ्री फॉर रेलवे लेवल क्रॉसिंग किए जाएंगे। अब इसका हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि 208 जो हैं वो रेल ओवर ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट किया गया, और जो 1500 ओल्ड ब्रिजेस थे उनको भी रीबिल्ड किया जा रहा है। तो याद क्या रखना है, इसमें नेशनल हाईवे रेलवे लेवल क्रॉसिंग से फ्री करने हैं, और इसके अंडर दो चीज़ें इंप्लीमेंट हुई। पहला तो 208 रेल ओवर ब्रिजेस बनाए गए एंड 1500 पुराने ब्रिजेस को रिकंस्ट्रक्ट या रीबिल्ड किया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देन कुछ एक्सप्रेस वेज भी हैं। एक्सप्रेस वेज क्या होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। एक्सप्रेस वेज जो हैं वो बेसिकली हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पे या तो बहुत ही रेयरली एक दो इंटरसेक्शंस हों या फिर इंटरसेक्शंस हो ही ना, ठीक है। तो इसलिए रेलवे एक्सप्रेस वेज बनाए जाते हैं, जिससे जो हैवी ट्रैफिक है या जिसमें हाई स्पीड ट्रैफिक है वो आराम से निकल जाए और एक्सीडेंट होने के चांसेस वहाँ पे भी कम हो जाए। चार जो हैं वो प्रपोज्ड हैं एमपी में। पहला इंदौर हैदराबाद है, सेकंड कोटा इंदौर है, ठीक है। फिर एक चंबल एक्सप्रेसवे है जो अटल बिहारी एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। ये किससे पास होगा, राजस्थान, यूपी एंड एमपी, एंड ये कोटा से लेके इटावा यूपी तक बनेगा, जो कि चंबल के अलोंग साइड फ्लो करेगा। मतलब जहाँ से चंबल फ्लो कर रही है वहाँ से ये ब्रिज जो है या जो एक्सप्रेस वे है रादर वो निकलेगा। लास्ट है आपका नर्मदा एक्सप्रेस वे, जिसकी लेंथ 1300 किलोमीटर्स होगी। एक लेन का ये एक्सप्रेस वे होगा और ये अमरकंटक से लेके अलीराजपुर को एमपी में कनेक्ट करेगा। तो ये चार हाईवेज हैं या चार एक्सप्रेस वेज हैं, सॉरी नॉट हाईवेज, चार एक्सप्रेस वेज हैं जो प्रपोज्ड हैं एमपी में। इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे, कोटा इंदौर एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे। अब नेक्स्ट है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट। तो जब मैं रेल ट्रांसपोर्ट की बात करती हूँ, आई होप कि रोड ट्रांसपोर्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो जब मैं रेल ट्रांसपोर्ट की बात करती हूँ तो रेल ट्रांसपोर्ट में हमारे यहाँ ऑलमोस्ट कितने रूट्स हैं, रेल रूट्स हैं, तो हमारे यहाँ 66,100 रेल रूट्स हैं एमपी में, जो कि आपके जो 10% है, इंडिया का 10% है रेल लाइन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल रेल रूट 6,100 है और 10% जो है वो कंट्रीज़ के रेल लाइन को मतलब पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है टोटल जीडीपी में स्टेट की, ठीक है। एमपी का ओनली रेलवे जोन कौन सा है, जबलपुर है, ठीक है। ये डिक्लेयर किया गया था 1998 में और इनॉग्रेट हुआ 1 अप्रैल 2013 में, ठीक है। अब जो मेन रेलवे जंक्शंस हैं एमपी के वो है बीना, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम और उज्जैन। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल 9 आपके मेन रेलवे जंक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें से इटारसी जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ एमपी। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, रेल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स 2% इन द जीडीपी ऑफ द स्टेट, देन 66,100 रेल रूट्स हैं, एमपी का ओनली रेलवे जोन जबलपुर में है जिसे 1998 में डिक्लेयर करके 2013 1 अप्रैल को इनॉग्रेट किया गया है। एमपी में 9 आपके रेलवे जंक्शंस हैं, बीना, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, इटारसी, कटनी, रतलाम, उज्जैन। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इटारसी एमपी का सबसे लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है, ठीक है। देन 5 रेलवे जोन्स हैं, ठीक है, सेंट्रल हाईवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए एमपी प्रिलिम के पर्सपेक्टिव से।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है वो सबसे बड़ा रेलवे जोन है और सबसे ज़्यादा बिजी भी, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेन यहीं पे आपको देखने को मिलती है। लेटली मेट्रो भी एमपी में आ गई है, तो जो दो अप्रूव हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, दो जगहें वो है भोपाल और इंदौर। भोपाल में 27.87 किलोमीटर्स तक मेट्रो की लाइंस डल रही हैं, दैट इज़ मेट्रो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होकर रन करेंगी। एंड इंदौर में 31.55 किलोमीटर्स की लाइंस डल रही हैं। तो दो सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें एमपी में भी मेट्रो फंक्शन करेंगी। इन्हें कब डिक्लेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है? अक्टूबर 2018 में। रीजनल रेलवे ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं? तो है भोपाल, रतलाम और उज्जैन में। भोपाल, रतलाम, उज्जैन में आपके जो है रीजनल रेलवे ऑफिसेस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरे इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन भोपाल में है, जो कि हबीबगंज है। ठीक है, तो हबीबगंज किसने प्राइवेटाइज किया है, कौन से ग्रुप ने खरीदा है? बंसल ग्रुप, जो कि भोपाल का ग्रुप है, उसने ही इसको खरीदा है और प्राइवेटाइज किया है। तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन इज हबीबगंज भोपाल। देन हम बात करते हैं हमारे एयर ट्रांसपोर्ट की। एयर ट्रांसपोर्ट की जब मैं बात करती हूँ तो रेगुलर फ्लाइट एमपी में कब से स्टार्ट हुई थी? 1927 में। अभी मेन एयरपोर्ट्स जो हैं वो 11 हैं एमपी में, और अदर रनवेज भी हैं जो कि सतना, पन्ना, खंडवा, सीतागढ़, नीमच और पचमणी में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ एयर बेसिस हैं। एयर बेस का मतलब होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स या एयर प्लेन्स रखे जाते हैं, तो एमपी में वो टोटल 27 हैं। किस किस अथॉरिटी के अंडर आते हैं? तो जो 7 हैं वो नेशनल एविएशन अथॉरिटी के अंडर आते हैं, 9 पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर है, 1 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर है, 8 जो हैं वो अदर अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उसमें है, और 2 मिलिट्री फोर्स के अंदर है। इन टोटैलिटी ये 27 हो जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है, और दिस इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, पहली फ्लाइट 1927 में हुई, मेन एयरपोर्ट्स 11 हैं, जो अदर रनवेज हैं वो सतना, पन्ना, खंडवा, सीतागढ़, नीमच और पचमणी हैं। एयरबेस जो है वो इन टोटैलिटी 27 है, 7 जो है वो नेशनल एविएशन में है, 9 पब्लिक वर्क्स में है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक ही है, कुछ दूसरी अथॉरिटी है जहाँ पे 8 है, और 2 जो है वो मिलिट्री फोर्स के पास है। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं एमपी में। पहला है भोपाल में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड सेकेंड इज इंदौर देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑल दो अगर मैं यहाँ पे फ्लाइट्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स आपको इंटरनेशनल देखने को नहीं मिलती हैं, बट देन कुछ मिलती हैं, और इसीलिए इन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता दूँ एयरबेस के पर्सपेक्टिव से, काना किसली जो नेशनल पार्क है, हम नेशनल पार्क्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो जो काना किसली नेशनल पार्क है वहाँ पे वो इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें एयरबेस मिलता है। द ओनली नेशनल पार्क विच हैज़ एन एयरबेस इज कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन विल वाइंड अप द क्लास फॉर टुडे। ट्रांसपोर्टेशन की जब मैं बात करती हूँ एमपी में, तो 3 तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। स्टेट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है वो 2010 में स्टार्ट हुई है, और एमपी वो पहली स्टेट है जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन टोटैलिटी 2.65% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है आपके स्टेट जीडीपी में। टोटल लेंथ ऑफ रोड्स है 1,16,822 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स। नेशनल हाईवे 44 हैं और उनकी लेंथ 8,772 किलोमीटर्स है। स्टेट हाईवेज 48 हैं और उसकी जो लेंथ है वो है 11,389 किलोमीटर्स। एवरेज ऑफ रोड्स जो है वो 38 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स है। मैक्सिमम डेंसिटी सतना और लीस्ट डेंसिटी शोपुर है।
ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एमपी का जो स्मॉलेस्ट बस स्टैंड है वो खरगोन में है। ब्यावरा आपका चौराहा कहलाता है एमपी का। एमपी का ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ स्कीम्स हैं जो हमने देखी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने देखी है जो 2000 में लॉन्च हुई थी। किस लिए? जिससे प्रॉपर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी मिल सके उन विलेजेस में जो कि 500 persons जहाँ पे या तो नॉन ट्राइबल है या फिर 250 ट्राइबल एरियाज है। पहले क्या था, 16,931 विलेजेस में कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर 8,556 विलेजेस को कनेक्टिविटी हमने दी है टिल 2014। देन 2012-13 में इसी योजना का सेकेंड पार्ट आया और उसने भी यही कहा कि डिस्ट्रिक्ट रोड्स और रूरल रोड्स को हम और ज़्यादा प्रॉपर कनेक्टिविटी देंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आई जो 2010-11 में आई थी। इसके अंडर हमने फिर कनेक्टिविटी दी है जनरल टेरिटरी में 6,158 विलेजेस को और 6,658 ट्राइबल टेरिटरी को। यहाँ पे भी वही ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बेसिस पे ही कनेक्टिविटी दी गई है। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भी आई जिसमें हमने फार्मर्स के घरों को उनके फार्म्स तक कनेक्ट किया है थ्रू रोड्स। अपनी बस सड़क सेवा सूत्र योजना जो है वो भी स्टार्ट हुई ऑन 23 जून 2018। एक चीज़ और मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूँ, ये इंदौर से स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसमें हमने इंटर रोड कनेक्टिविटी दी 20 मेन सिटीज़ में। किस मिशन के अंडर? अमृत मिशन के अंडर जो नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। सेतु भारतम योजना है जो कि 4 मार्च 2016 में लॉन्च हुई थी बाय पीएम अगेन। इसमें इन्होंने नेशनल हाईवेज बनाए जो कि फ्री फ्रॉम रेलवे लेवल क्रॉसिंग है। एक्सप्रेसवेज 4 हैं जो प्रपोज्ड हैं। कौन से हैं? इंदौर हैदराबाद, कोटा इंदौर, चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे। देन रेल ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो 26,100 रेल रूट्स हैं एमपी में जो 2% का टोटल जीडीपी ऑफ स्टेट को कंट्रीब्यूट करते हैं। रेलवे जोन्स जो हैं वो ओनली रेलवे जोन जबलपुर है जिसे 1998 में डिक्लेयर करके 2013 में इनॉग्रेट किया गया है। टोटल 9 रेलवे जंक्शंस हैं जो मेन हैं, बीना, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम, उज्जैन, एंड इटारसी जो है वो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है एमपी का। 5 रेलवे जोन्स हैं, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न, वेस्टर्न सेंट्रल और नॉर्थ सेंट्रल। और जो वेस्टर्न सेंट्रल है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा और सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रेलवे जोन है। 2 मेट्रोज का अप्रूवल मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 सिटीज़ में जो कि इंदौर भोपाल हैं। भोपाल, रतलाम और उज्जैन रीजनल रेलवे ऑफिसर्स हैं और इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज है जो कि भोपाल में है जिसे बंसल ग्रुप ने बाय किया हुआ है। एयर ट्रांसपोर्ट की मैं बात करती हूँ तो एयर ट्रांसपोर्ट रेगुलर फ्लाइट जो है वो जो आपकी स्टार्ट हुई थी वो 1927 से हुई थी। 11 आपके मेन एयरपोर्ट्स हैं। रनवेज भी हैं एमपी में, सतना, पन्ना, खंडवा, सीतागढ़, नीमच और पचमढ़ी में। इन टोटल 27 एयर बेसिस हैं। एयर बेसिस में 7 नेशनल एविएशन अथॉरिटी, 9 पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास 1, अदर अथॉरिटीज़ के पास 8 और मिलिट्री फोर्स के पास 2 हैं। 2 नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, एक भोपाल का राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदौर का देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अनदर थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, कान्हा किसली इज़ द ओनली नेशनल पार्क जिसमें एयरबेस है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भेजें, उसको सेंड करें और मुझे इन्फॉर्म करें जिससे कि मैं उन कमेंट्स को देखकर आपको रिस्पॉन्स दे पाऊँ, आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड अच्छे से प्रिपेयर करिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.